हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज श्री रामेश्वरम से आगे बढ़ रहे हैं और रामेश्वरम की परिक्रमा कर रहे हैं अभी पहला। तो साइकिल के द्वारा पूरा रामेश्वरम के चार मुख है और चार बड़े द्वार हैं, तो परिक्रमा कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द्वार और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा। यह है रामेश्वरम का दूसरा द्वार और यहाँ पे मेन द्वार यही है रामेश्वरम का। तो ये इस तीर्थ स्थल का मुख्य द्वार है। यहाँ पे कथित पावनी धाम, श्री भगवान श्री रामचंद्र ने यहाँ पे जलाभिषेक किया था, शिव की आराधना की थी। शिव ने यहाँ पे प्रकट होकर कहा था। ने चारों द्वारों के दर्शन करवा दिए हैं। तो जरूर हमें पूरा भरोसा कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा परिश्रम का ये फल है। और मेरी कम तो इस स्थान पे विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ था और यह देख सकते हैं, आपको दिखा दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, तो आपको भी दिखा रहे हैं। तो आपको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया है, जय श्री राम बोलेगा। नमस्कार, जय भारत। राम सेतु बीच आपको दिखाते हैं। धनुषकोडी ये नाम है, धनुषकोडी में हम अभी लास्ट है एरिया, लास्ट अंतिम आपको अभी दिखाते हैं। ओह माय गॉड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो दिख रहा है अभी दिखाएंगे हम आपको, कोशिश करेंगे दिखाने की जितना ये पहुँच सके। पहुँचेगा तो नहीं, कैमरा हमारे। तो यह है धनुषकोटी और भारत का अंतिम हिस्सा, और श्री रामचंद्र भगवान ने यहाँ पे सेतु बनाया था। और ये तो सब इतिहास जानते हैं, जो रामायण जिसने देखी जिसने सुनी वही जानता है, हर कोई जानता है राम की गाथाओं को। ये देखो दुविधा भारी आन पड़ी है, अब तो दर्श दिखाओ एक बार आओ प्रभु। हरि ओम, हरि ओम। तो बहुत दूर आ चुके हैं दोस्तों, कैसे बयां करूं कि सुंदर वादियों से और एकांत इलाकों से हम निकल रहे हैं। आपको कैसे, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है। और सुंदर से केले के पेड़ और नारियल के पेड़ बहुत सारे, और बहुत अच्छा लग रहा है। कन्याकुमारी की ओर बढ़ रहे हैं, बस कन्याकुमारी। ओ भाई, ऐसा भी होता है क्या? ये तो देखने लायक है यार, सॉरी तुम्हें मिस्टेक कर दिया मैंने। बहुत ही सुंदर नजारा, ना घर मकान से सुनिए सड़क। बढ़ रहे हैं हम भारत माता के चरणों में कन्याकुमारी की ओर। देखा आपने सुनसान नजारा, केवल गाय और बकरी और वाले। बढ़ रहे हैं भारत माता के चरणों में, बस 150 किलोमीटर बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और मात्र 2 दिन बाकी है कन्याकुमारी पहुंचने में। तो अब
देख ही सकते हैं कि कल हम कन्याकुमारी में रहेंगे और आप सबका प्यार और आज हमने गणपति जो तो दोस्तों बढ़ रहे हैं आगे और ये अपनी साइकिल मुझे इस रास्ते पे हमें चलना है जहाँ से गाड़ी आ रही है। ये कन्याकुमारी का रूट है, डायरेक्ट ये कन्याकुमारी जाती है, तो यहाँ पे हमें चलना है और मैं सब प्यार बना रही है। तो करते हैं आज की शुरुआत और आज का दिन कैसा रहता है आपको सबको बताएंगे। दो दिन का पूरा वीडियो एक साथ डालने वाले हैं हम, इसके बाद लोगों का सहयोग आशीर्वाद बना रहे। इन रास्तों में चलना कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले कभी आए होंगे। हाँ दोस्तों, ये सच है कि कभी लगता है कि इन रास्तों में हम पहले कभी आए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आ चुके हैं थोड़ा दूर, और आपको बता दें कि थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। धूप की किरण बहुत तेज़ी से ये आ रही है हमारे साथ, तो ये देख सकते हैं आप। महसूस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि थक गया हूँ, अभी तो चलना है, अब तो आदत जैसी हो गई है, बस सोचते रहना है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता हुआ, रात का नाश्ता यहाँ पे किया हमने, मात्र अभी 12 किलोमीटर आए हैं। तो दोस्तों जो ये देख रहे हैं आप, वो सब नमक का टीला है, जैसे रेत का टीला होता है वहाँ यहाँ नमक का टीला है। ये पूरे नमक के तालाब हैं और देख सकते हैं आप वहाँ पे कितना बड़ा नमक का